हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द बॉडी टेम्परेचर आज हम इस वीडियो में बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है क्या इसके फिजिकल वेरिएशन है कैसे बॉडी के अंदर हीट लॉस होता है कैसे हीट गेन होता है एंड हाउ वी रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर इन द बॉडी इस इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होम्योस्ट्रेसिस है इसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू कीप द टेम्परेचर विद इन अ वेरी नैरो रेंज हमारे बॉडी की एक टेंडेंसी होती है या फिर हम ये कह सकते हैं एक एबिलिटी होती है कि वो एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर टेम्परेचर को बनाए रखती है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर होम्योस्टेसिस है ना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है इसको आप सेंटीग्रेड में भी मेजर कर सकते हैं और फेरानाइट में भी मेजर कर सकते हैं इट इज़ थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फेरानाइट है ना दैट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये एक फिक्स नहीं होता थोड़ा बहुत ही आगे पीछे वेरी भी करता है इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोरेग्युलेशन अब बॉडी के अंदर ऐसे क्या आवश्यकता है कि उसको इस टेम्परेचर को बनाए रखना है इसके दो रीज़न हैं अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो भी हमारे बॉडी की फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा देन ऑल्सो बॉडी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली है ना ऐसा क्यों क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो हमारे बॉडी के जो प्रोटीन्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डी नेचर हो जाते हैं है ना और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं इंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड इंजाइम की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एक्ट करते हैं है ना अगर ज़्यादा कम होगा या ज़्यादा या जा, ज़्यादा जा, होगा दोनों ही कंडीशन में इंजाइम्स एक्ट नहीं कर सकते है ना सो दे आर डिस्ट्रॉयड ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हीट स्ट्रोक होगा अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा तो अगेन एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगी और हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ये भी बहुत कम हो जाता है ना तो हम कहना क्या चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम कर पाते हैं इसीलिए अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा तो बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मली नहीं हो सकती दैट इज वायर देर इज द मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन तो हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेजम होता है जिससे कि बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में एक नॉर्मल रेंज में मैंटेन करके रखती है ठीक है अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं एक है कोर टेम्परेचर और दूसरा है शेल टेम्परेचर है ना थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कोर टेम्परेचर शेल टेम्परेचर से क्या मतलब है कोर टेम्परे टेम्परेचर इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स और डीप टिश्यूज है ना हमारे बॉडी के इंटरनल विसरास का इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है इसको हम बोलते हैं कोर टेम्परेचर है ना फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जो बॉडी है बॉडी का जो अंदर के जो विसराज होते हैं इसको हम बोलते हैं दिस इज द कोर टेम्परेचर हमारे बॉडी के डीप टिश्यूज़ का डीप सेल्स का टेम्परेचर है ना ये कितना होता है इट इज़ कांस्टेंट यानी कि ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करता और ये कांस्टेंट होता है विच इज़ अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फेरानाइट अब शेल टेम्परेचर का क्या मतलब होता है इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द स्किन तो बाकी जो हमारा स्किन का टेम्परेचर होता है वो सुपरफिशियल होता है जिसको हम बोलते हैं शेल टेम्परेचर है ना तो जो शेल टेम्परेचर है इट फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ एन्वायरमेंट जैसा एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसे वैसे शेल टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करेगा कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारा शेल का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा बाहर तो का टेम्परेचर कम होगा तो हमारा जो शेल का टेम्परेचर भी कम होगा लेकिन जो कोर टेम्परेचर है इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम बॉडी के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर अब ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये दो तरीके का होता है एक होता है मरकरी थर्मामीटर और दूसरा होता है डिजिटल थर्मामीटर है ना यहाँ पर आप देखें ये जो थर्मामीटर है दिस इज मरकरी थर्मामीटर क्योंकि इसके अंदर एक मरकरी का कॉलम होता है जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो ये मरकरी का कॉलम आगे बढ़ता है है ना और यहाँ पे एक रेड मार्क होता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर को इंडिकेट करता है तो इसको हम मरकरी थर्मामीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मरकरी होती है दूसरा जो थर्मामीटर होता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर डिजिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर एक डिजिट डिस्प्ले होती है जब हम टेम्परेचर नापते हैं और वो डिजिट इंडिकेट करती है बॉडी के टेम्परेचर को है ना तो दो तरीके से हम बॉडी के टेम्परेचर को नाप सकते हैं ना तो हम क्लिनिकल थर्मामीटर के माध्यम से बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं अब ये जो टेम्परेचर है ये बॉडी में हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर देर आर थ्री एरियाज द बॉडी टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड वन इज एग्जिला सेकेंड इज माउथ एंड थर्ड इज रेक्टम तो एग्जिला का टेम्परेचर को हम एग्जेलरी टेम्परेचर बोलते हैं ओरल माउथ के टेम्परेचर को हम ओरल टेम्परेचर बोलते हैं और रेक्टल टेम्परेचर जहाँ हम रेक्टम में टेम्परेचर को नापते हैं है ना तो so, जो एग्जेलरी ओरल और रेक्टल टेम्परेचर में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होता है ओरल टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फेरानाइट एग्जेलरी टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से एक डिग्री फेरानाइट कम होता है और रेक्टल टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से एक डिग्री फेरानाइट ज़्यादा होता है है ना तो आप ऐसे याद रख सकते हैं एक डिग्री एक डिग्री का या फिर पॉइंट फाइव का इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है ठीक है तो तीन पार्ट्स में हम बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट वी कम टू द वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें कि बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है पहला है दैट इज द एज इन्फेंट के अंदर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वैसे ही इन्फैंट का भी टेम्परेचर होगा अगर बाहर गर्मी है तो बच्चे का टेम्परेचर भी बढ़ेगा बाहर सर्दी है तो बच्चे का टेम्परेचर कम होगा है ना क्योंकि जो इन्फैंट्स में जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन का मैकेनिज़म है वो फुल तरीके से डेवलप नहीं होता है चिल्ड्रन के अंदर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं इन कंपेरिजन टू द ओल्ड पीपल ओल्ड एज में क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा सेक्स में हम देखेंगे तो मेल्स का टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू फीमेल्स ज्यादा होता है क्योंकि मेल्स का जो बी है ये ज़्यादा होता है फीमेल्स का बी कम होता है डायनल वेरिएशन देखें तो मॉर्निंग में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है जैसे जैसे इवनिंग आती है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है आफ्टर मील्स खाना खाने के बाद में बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है एक्सरसाइज के बाद में किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद में बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा इमोशंस में एंगर में बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा मैंस्टोलेशन में मैंस्ट्रोल साइकिल के दौरान बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन है ना तो ओव्यूलेशन से बॉडी टेम्परेचर का रिलेशन है स्लीप के समय बॉडी जो टेम्परेचर है ये कम हो जाता है अब बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस है ये दो बातों पर निर्भर करती है एक हीट प्रोडक्शन और दूसरा हीट लॉस है ना हमारा बॉडी का टेम्परेचर इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इन अदर वर्ड्स हम कितनी हीट को लूज़ कर रहे हैं है ना तो दोनों का बैलेंस डिसाइड करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को तो पहले हम उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं यानी कि थर्मोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं लेट अस स्टडी वन बाय वन पहला फैक्टर है बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम शॉर्ट में बीएमआर बोलते हैं अब बीएमआर का मतलब क्या होता है इट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी अंडर बेजल कंडीशन दैट इज अंडर रेस्टिंग कंडीशन क्या मतलब हुआ इसका जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं दैट मीन्स अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं इसके बावजूद भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं है ना हमारे सेल्स कंटिन्यूसली उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द हीट है ना दे आर प्रोड्यूसिंग द कैलोरीज ठीक है कैसे जैसे कि ब्रीदिंग के समय कुछ हीट uh, प्रोड्यूस होती है सर्कुलेशन के दौरान हीट uh, प्रोड्यूस होती है इसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर हम एडल्ट मैन में देखेंगे तो ये होता है 35 से लेकर 38 कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर एडल्ट वुमेन में ये होता है 32 से 35 कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर है ना एवरेज अगर हम देखें तो एडल्ट मैन 1600 कैलोरीज पर डे रिलीज करता है और एडल्ट वुमेन 1400 कैलोरीज पर डे बी इनका होता है ठीक है तो बी की वजह से पहला फैक्टर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीट दूसरा है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन है ना स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन का मतलब है हीट प्रोडक्शन ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड स्टफ जो भी हम फूड खाते हैं उसका डाइजेशन एब्जॉर्बशन एसिमुलेशन होता है और इस पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान देर इज प्रोडक्शन ऑफ हीट लेकिन कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करता है कि हम किस एनर्जी uh, फूड को कंज्यूम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वन ग्राम ऑफ फैट On oxidation produces 9 calories of heat. 1 gram of carbohydrate produces 4.7 calorie energy and 1 gram of protein on oxidation produces 4.5 calories hai na to agar है ना तो अगर हम इसको देखें तो जो नाइन कैलोरीज हैं ये फैट से मिलती है हमको फोर और लगभग प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से हमको ऑलमोस्ट इक्वल कैलोरीज मिलती हैं है ना तो इसका मतलब है, ये है कि फूड स्टफ के मेटाबोलिज्म से भी देर इज़ प्रोडक्शन ऑफ हीट तीसरा है मस्कुलर एक्टिविटी या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं रनिंग हो गया एक्सरसाइज हो गया ठीक है सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया है ना तो कोई भी एक्टिविटी हो तो उसके अंदर देर इज़ प्रोडक्शन ऑफ हीट बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है फोर्थ फैक्टर इज द शिवरिंग दैट इज इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन है ना तो ठंडा मौसम में कोल्ड एनवायरमेंट में जो शिवरिंग होती है तो शिवरिंग बेसिकली क्या होता है इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है जिससे कि थोड़ी बहुत हीट जनरेट होती है और बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है देन देर आर सर्टन हारमोन जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट हारमोन हैं थायरोक्सिन एंड एड्रिनालिन और दोनों ही हारमोन का जो मेन कारण है हीट प्रोडक्शन का ये हमारे बी को बढ़ाते हैं है ना और अगर हमारा बी बढ़ेगा तो हीट का प्रोटेक्शन होगा नेक्स्ट इज हीट लॉस दैट इज थर्मोलाइसिस किस तरीके से हमारे बॉडी से जो हीट है दैट इज लॉस्ड तो हीट लॉस के बेसिकली देर आर फोर मैकेनिजम्स जो मैक्सिमम हीट लॉस है ये स्किन से होता है तो स्किन हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मैक्सिमम हीट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है लेकिन बॉडी के अदर स्ट्रक्चर से भी देर इज हीट लॉस जैसे कि रेस्पेरेटरी सिस्टम हो गया किडनी हो गया हमारा या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टैनल ट्रैक्ट हो गया है ना तो थोड़ा बहुत हीट इन सिस्टम के माध्यम से भी लूज होती है अब कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिससे देर इज हीट लॉस पहला मैकेनिज्म है कंडक्शन कंडक्शन का मतलब होता है हीट ट्रांसफर बिटवीन सरफेस एंड कॉन्टैक्ट यानी कि दो ऐसे सरफेस जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं अगर एक सब्सटेंस का हीट ज़्यादा है दूसरे का हीट कम है तो ज़्यादा वाले से जो हीट है कम वाले सब्सटेंस पर ट्रांसफर हो जाएगी है ना थ्री परसेंट ऑफ हीट लॉस अकर थ्रू द कंडक्शन है ना फॉर एग्जांपल गर्मी होती है तो गर्मी में हमको ज़मीन पर बैठना अच्छा लगता है या फिर मार्बल पर बैठना अच्छा लगता है मार्बल की प्रवृत्ति ठंडे की होती है हमारी बॉडी ही, में हीट रहती है तो हमारे बॉडी की हीट धीरे से ट्रांसफर होकर मार्बल फ्लोर पर आ जाती है ना ये एक एग्जाम्पल है ठीक है कंडक्शन का दूसरा होता है कन्वेक्शन करेंट अब यहाँ पे भी दो सरफेस के बीच में हीट लॉस हो रही है लेकिन दो सरफेस आपस में एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है एंड हेयर हीट लॉस इज अकरिंग बाय द एयर करेंट है ना 15% परसेंट ऑफ हीट लॉस अकर विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन तीसरा है रेडिएशन हीट लॉस बाय इंफ्रा रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी टू द सराउंडिंग है ना तो ये हमको पता भी नहीं रहता है लेकिन हमारे बॉडी रेडिएशन के माध्यम से देर इज कंटिन्यूसली हीट लॉस टेकिंग प्लेस फ्रॉम द बॉडी और ये सिक्सटी परसेंट ऑफ द हीट लॉस के लिए जो रेडिएशन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है द फोर्थ फैक्टर इज द एवेपोरेशन अब एवेपोरेशन बेसिकली इसमें तीन तरीके का होता है वन इज इनसेंसिबल पर्स्परेशन इट कैनॉट बी फेल्ट है ना तो स्वेटिंग तो हमको महसूस होती है हमको पता पड़ता है स्वेटिंग लेकिन इनसेंसेबल परस्परेशन हमारे बॉडी से कंटिन्यूसली देर इज लॉस ऑफ वाटर बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट हमको वो फील नहीं होता है ना तो ये स्किन और लंग्स से दोनों से देर इज इनसेंसेबल परस्परेशन एंड ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ हीट लॉस अगर थ्रू दिस देन स्वेटिंग स्वेटिंग मैं बेसिकली स्वेट ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हमारी स्वेट ग्लैंड का स्टिम्युलेशन होता है और स्वेट ग्लैंड में बेसिकली जो एक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है है ना देर आर टू टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड एक्राइन एंड एपोक्राइन तो एक्राइन ग्लैंड जब स्टिम्युलेट होती है देर इज एवेपोरेशन और देर इज स्वेटिंग वन लीटर स्वेट ऑन एवेपोरेशन लूजेज फाइव एटी किलो कैलोरीज ऑफ हीट है ना तो ये एक आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए फिर पेंटिंग इट रैपिड शैलो प्लस ऑफ बेसिकली ये एनिमल्स या फिर डॉग्स में देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा गर्मी में बेसिकली वो पैंट uh, करते हैं है ना और जल्दी जल्दी रेस्पायर करते हैं और साथ साथ में स्लाइवा को भी ड्रिबल करते हैं सो दिस फिन बेसिकली टेक प्लेस इन द एनिमल्स नेक्स्ट वी कम टू रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर किस तरीके से हमारी बॉडी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है है ना तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथलैमस ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है यहाँ पर दो तरीके के सेंटर पाए जाते हैं एक हीट लॉस सेंटर और एक हीट गेन सेंटर नाम से समझ में आ रहा है हीट लॉस सेंटर हीट को लूज करेगा हीट गेन सेंटर हमारे बॉडी की हीट को प्रिजर्व करेगा अब हाइपोथेलामस में देर आर वेरियस ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लिया तो जो हमारा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हीट लॉस सेंटर के लिए और जो हमारा पोस्टियर न्यूक्लियस होता है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हीट गेन सेंटर को तो ये जो दो न्यूक्लियाँ हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मो रेगुलेशन तो अब हमारी बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है वन इज इन कोल्ड एनवायरमेंट अदर इज इन हॉट इन्वायरमेंट अब कोल्ड एनवायरमेंट होगा तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा कम होगा हॉट एन्वायरमेंट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा है ना तो हम पहले इस सिनेरियो को देखते हैं अगर कोल्ड एन्वायरमेंट है तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा ऐसी कंडीशन में देर इज स्टिमुलेशन ऑफ हीट गेन सेंटर पाया जाता है ये पोस्टीरियर में ये वाला है ना जब भी कोल्ड टेम्परेचर होता है जब भी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है हीट गेन सेंटर स्टमुलेट होता है अब ये जो हीट गेन सेंटर है इसके दो काम है देर इज टू फंक्शनिंग एक है इंक्रीज इन सिंपथेटिक एक्टिविटी यानी कि ये सिंपथेटिक नर्व को स्टमुलेट करता है दूसरा है इट कॉजेज शिवरिंग अब अगर सिम्पथेटिक नर्व हमारी स्टिमुलेट होती है तो ये क्या करती है इट कॉजेज क्यूटेनियस वेजो कंस्ट्रक्शन ब्लड वेसल्स को ये वेजो कंस्ट्रक्ट करती है और स्वेट ग्लैंड को ये इनहबिट करती है जिसकी वजह से स्वेटिंग का जो प्रोसेस है ये नहीं होता जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा देर देर विल बी डिक्रीज इन हीट लॉस हमारे बॉडी से हीट लूज़ नहीं होगी और इट इंक्रीजेज एड्रेनालिन एंड इट इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट है ना दूसरी तरफ ये क्या काम करते हैं ये एड्रेनालिन हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं और मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा देर इज हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी और यहाँ पे जो शिवरिंग हो रहा था शिवरिंग से भी देर इज हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी ठीक है तो अल्टीमेटली हीट गेन सेंटर क्या कर रहा है हीट गेन सेंटर बॉडी के बॉडी से जो हीट है उसको लूज़ नहीं करने देता एंड एट द सेम टाइम ये बॉडी की जो हीट है इसको ये बचाए रखता है है ना इंक्रीज करता है तो यहाँ पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मिल गया अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट देखें हॉट एनवायरनमेंट में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हीट लॉस सेंटर स्टिमुलेट होता है, है ना ये गेन वाला था ये हीट लॉस सेंटर अब हीट लॉस सेंटर नाम से समझ में आ रहा है एंटीहापोथेलमस में लोकेटेड है ये बॉडी से क्या करेगा हीट लूज करेगा है ना तो ये सिंपथेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है ये बढ़ा रहा था ये कम कर रहा है ये शिवरिंग कर रहा था यहाँ पे शिवरिंग नहीं हो रही है है ना अब यहाँ पे वेजो क्यूटेनियस वेजो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा है स वीजो डायलेशन यहाँ स्वेटिंग कम हो रही थी यहाँ पर स्वेटिंग बढ़ गई तो कुल मिला के देर इज इंक्रीज इन हीट लॉस हीट लॉस होने लगेगा और ये एड्रीनाल हार्मोन के सिक्रेशन को की एक्टिविटी को कम करेगा और मेटाबॉलिक रेट को भी यह कम करेगा है ना तो और दूसरी तरफ यह शिवरिंग नहीं करेगा तो इसकी वजह से देर इज डिक्रीज इन हीट प्रोडक्शन बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो दोनों तरीके से बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेनटेन करने का काम करेगा है ना सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज़ किस तरीके से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हीट लॉस और हीट गेन बॉडी के अंदर होती है आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग